1990s और अर्ली 2000s में राम गोपाल वर्मा ने शायद ही कोई खराब फिल्म बनाई होगी एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट फिल्मोग्राफी विद इन दिस पीरियड इज टू बैक टू बैक फेंटेस्टिक्रामा और यह कहना गलत नहीं होगा एंड टू थाउजेंड Varma brought a वर्मा type ऑफ ट्रीटमेंट टू द इंडियन मूवीज दो द फिल्म had ऑफ गुड Goodfellas. बट राम गोपाल वर्मा शुड बी प्लेस इन अफ फॉर क्रिएटिंग सच एन मास्टर पीस विद एन इंडियन टू और हम लोग शायरी सत्या के ब्रिलियंस के हैंग से निकले होंगे कि राम गोपाल वर्मा केम एन अनदर क्राइम ड्रामा बेस्ड ऑन द मुंबई अंडरवर्ल्ड कंपनी नाउ विद्स आई विल ट्राई टू एनाइज द अप्रोच एंड ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द फिल्म as realistic as possible with the film revolving around the crime-ridden areas of Mumbai. Company on the other hand was also made realistically. But the film looks a little cool as compared to Satya. Overall, both the films' ka style almost the same. Hi tha, a story being told in a simple manner with some thrills, action, suspense, and romance. It is just that Satya was a little conventional with its approach, while Company was modern in its treatment. Like the end scene of both the films. उट एनी बिल्डअप एंड गिविंग अडियंस्य के एक्टर ज्यादातर नए थे एक्सेप्ट उर्मिला मातोडकर हु वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार एट दैट टाइम मनोज वाजपेयी ने भी एक दो फिल्म करी थी

इवन द एक्टर्स इन द सपोर्टिंग रोल लाइक राजपाल यादव अंतरा माली एंड सीमा बिस्वासम एट दैट टाइम और यह विवेक ओबराय की पहली फिल्मी थी बट फिल्म की रिलीज से पहले ही उनका नाम थोड़ा बहुत फेमस हो चुका था लेसर नोन और वेल नोन बोर्ड सत्य एंड कंपनी हेड एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर्स हु गेव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज इन दियर फिल्म ऑन बोथ द फिल्म इट फील्स लाइक कंपनी स्टार्ट एंड ये शायद इसलिए क्योंकि सत्या मुंबई के गैंग्स पर फोकस करती है और कंपनी में इसी तरह के गैंग्स अपने काम धंधे को इंडिया से भी बाहर एक्सपेंड कर लेते हैं दोनों फिल्म्स की राइटिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट द डायलॉग्स आर विद डिफरेंट अप्रोचेस आर अ देर अंग कॉन्वर्जेशन आर रिटन एंड एडिटेड इन अ स्लिक मैनर देर आर मेनी वन लाइनर्स यूज इन कंपनी एज वेल विवेक ऑपराइट अजय देववन डेट ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा है टू विच अजय देवन रिप्लाइज हम सही है फिल्म का अच्छा है इट इज यूज मोर सॉन्ग इन कंपेरिजन विद कंपनी बोथ फिल्म सेट सॉन्ग्स विद मुंबई टू देम एज वेल एज अ फ्यू सोल फोर नंबर हाउ एवर द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ कंपनी वॉज बेटर देन सत्या नाउ अ फ्यू डिटेल्स अबाउट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ द फिल्म सत्या वॉज मेड ऑन द बजट ऑफ टू करोड And collected 15 crores. While company's budget was 7 crores. And collected 25 crores. Both the films did well at the box office too. So I want to conclude that. Though currently Ram Gopal Verma has lost his touch. But he ramo Ramu who changed the 1990s mein Indian films ki traditional approach of Indian films in the And his films used to do well at the box office too. And we are certain for a big comeback for RGV. As he is one of the magnificent filmmakers India has ever produced. So that is all for today. If you have enjoyed this video, then please press the like button below and let us know in the comment section which film do you like the most, Satya or company. Also, please subscribe to the channel for supporting us as well. Thanks for watching and take care.